हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब खुश हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो दोस्तों, मैं आज अपने यूनिफॉर्म में ही ब्रेक में आया हुआ हूँ। ब्रेक टाइम में मैं आपको एक ऑरेंज की खेती में दिखाना चाहता हूँ सऊदी अरब में। मैं तो देख के इतना शौक हो गया कि यहाँ पे ऑरेंज भी होता है करके। तो सऊदी अरब में ऑरेंज का खेती मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड भी इतने सारे ऑरेंज है। तो बने रही इस ब्लॉग में, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इतने ऑरेंज आए हुए हैं। देखो, पक पक के नीचे गिरे हैं, खाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ये हमारे जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ ना, जॉब करता हूँ, उसके जस्ट पीछे में है इसका बगीचा ऑरेंज का। मैं और दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो, देखो ये बहुत येलो का अच्छा दिख रहा है। ये पका हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे है। मैं बैकग्राउंड में देखो, पूरे ऑरेंज के पेड़ है। देखो आपने, ये ऑरेंज का मजरा है। मजरा बोले तो खेती को वो बोलते हैं अरबी में मजरा, हम लोग बोलते हैं खेत। और हम लोग बोलते हैं इसको खेत, और अरबी में बोलते हैं इसको मजरा। देखो पूरे पक गए हैं। देखो हम लोग देख सकते हो, पूरा कोई उठाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हो कि इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे, एकदम जन्नत सा फील हो रहा है। और टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे तीन बज रहे हैं। तो इतना धूप भी इतना सुनहरा लग रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम सऊदी अरब में रहते हैं। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे की मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी है। तो यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल होता है, यहाँ पे की खेती होती है। देख सकते हो ऑरेंज, इतने सारे ऑरेंज है। मैं अंदर की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। बहुत मीठा है। तो अभी तो डेट्स के सीज़न चले गए हैं, अभी ऑरेंज के आए हुए हैं। ठंड में यहाँ पे ऑरेंज आता है, और गर्मी के टाइम में समर में खजूर आता है। यहाँ पे बस दो तीन ही चीज़ यहाँ पे खेती होता है, यहाँ पे खेती। देखो दोस्तों, इतना सारा फल है और गिर रहा है, देख सकते हो इतना सारा है ऑरेंज। अभी तैसे गिरे हुए हैं, कोई उठा रहा नहीं है, खाने वाला नहीं है। उधर छोटे छोटे पेड़ और हैं, देख सकते हो। ये हैं ये ऑरेंज नहीं है वाला, शायद ये ऑरेंज नहीं है, ये मौसम भी है, स्वीट लाइम बोलते हैं ना वो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग ऑरेंज का? तो मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में और दूसरा चीज़ मैं लेके आता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है दिखाने के, बट मेरे पास अभी तो इतना अभी टाइम है नहीं मेरे पास। तो मैं एकदम शॉर्ट टाइम में यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो। तो हम अब दुआ करते हैं कि आप खुश रहें और आपको जन्नत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।